नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्शन विंग पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम समझेंगे कि साल 2022 में किन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो कि तय करेंगे सियासी पार्टियों की किस्मत। देश के पाँच छोटे बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, जहां मार्च 2022 में चुनाव होना तय है। इन पांच राज्यों में से चार में भाजपा की सरकार है। जैसे ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल है। सिर्फ एक राज्य ऐसा है जहां कांग्रेस की सरकार है, वो राज्य है पंजाब। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की चर्चा इन दिनों हर राजनीतिक गलियारे में है, क्योंकि यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा को भारी बहुमत मिली थी। सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए अकेले अपने दम पर 312 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, योगी के लिए लगातार चुनौतियाँ बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं पंजाब विधानसभा की। पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस को भारी जीत मिली थी। वैसे पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं, जिनमें से अकेले कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत मिली थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने थे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। पिछले चुनाव 2017 में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए यहाँ अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा ने राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 56 सीटों पर जीत का परचम लहराया। यह राज्य में अब तक के इतिहास में न केवल बीजेपी बल्कि किसी भी दल के लिए सबसे बड़ी जीत थी। वहीं कांग्रेस के खाते में बस 11 ही सीटें आई थी। गोवा विधानसभा चुनाव में कुल 40 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 13, कांग्रेस को 17 और अन्य को 10 सीटें मिली थी। उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर चुनाव भी हार गए थे। नतीजों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी निकलकर आई थी। काफ़ी संभावना थी कि कांग्रेस यहां सरकार बना लेगी, पर ऐसा नहीं हो पाया और यहां भाजपा गठबंधन की सरकार बन गई। मणिपुर विधानसभा चुनाव 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजे में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी निकलकर आई थी। विधानसभा की 60 सीटों के परिणामों के मुताबिक कांग्रेस के खाते में 28 सीटें आई थी। वहीं बीजेपी ने 20 सीटें जीती थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 31 सीटों की जरूरत थी, पर कांग्रेस अपना बहुमत जुटा नहीं पाई और भाजपा ने अपना सरकार बना लिया था। इसी के साथ धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ दिलचस्प खबरों।